हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ सौमिता और मैं आपके ENV टीचर हूँ। ओके, सो टुडे टॉपिक इज स्टैंडर्ड फोर्थ ENV, सिंबल या पिक्टोग्राम। सो आज चैप्टर वन शुरू करने से पहले हमें ये लेसन पढ़नी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सिंबल क्या है? सिंबल मीन्स साइन, जिसको यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह, जिसे देख के हमें पता चलता है। ओके, और पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम मीन्स अ पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्ड और एन आइडिया बाय इल्यूस्ट्रेशन। यानी सिमिलर मीन्स मीनिंग से के पिक्चर देख के हमें एक आइडिया यानी वर्णन कर सकते हैं। ओके, या उदाहरण। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कलर। ओके, फिल इन द कलर्स। सो दिस सिंबल इंडिकेट्स फिल इन द कलर्स। ओके, यानी कलर करनी है। ओके ओके, नीचे एक ड्रॉ दिया है, पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में कलर भरनी है। ओके, सो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो अवेलेबल तो आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक में ये ड्रॉ करके कलर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट टू स्टोरी। स्टोरी मीन्स जो जैसे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स स्टोरी बताते हैं ना, सुनाते हैं ना कहानी है। ओके, तो ये स्टोरी। ओके, नेक्स्ट थ्री थिंक एंड से, यानी सोचना। थिंक यानी सोचना, से यानी बोलना। ओके, यानी सोच रहा है या बता रहे, बोल रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है जो आपको नोटबुक में कर लेना है। ओके, क्वेश्चन लिख लेना और उसके नीचे आंसर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर फर्स्ट फ्रेंड, आपका पहला दोस्त कौन है। ओके, उसका नेम नीचे लिख देना। नेक्स्ट, हु टीचेस यू एट होम, आपके घर में आपको कौन टीचेस करते हैं, यानी कौन लेसन पढ़ाते हैं। ओके, मम्मी हो या पापा। ओके, कोई भी। नेक्स्ट, विच फ्रेंड्स आर लिविंग नियर बाई योर होम, आपके घर के पास में। ओके, आपके कौन से फ्रेंड्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज वेट इज मोर देन योर्स एमोंग योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स में से किसके वेट यानी वजन सबसे ज़्यादा है। ओके, तो उसका नेम अभी आप नीचे क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आंसर लिख देना। ओके, नेक्स्ट फोर आउटडोर गेम, यानी आउटडोर गेम यानी जो गेम हम बाहर खेलते हैं। ओके, वो कोई भी, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ओके, हॉकी, ये सारे गेम्स हम कहाँ पे खेलते हैं, बाहर, घर के बाहर यानी आउटडोर पे। ओके, तो उसको आउटडोर गेम बोलते हैं। नेक्स्ट फाइव सॉन्ग, ये सॉन्ग का सिंबल है। ओके, जिसे देख के हमें पता चलता है ये गाना गाने का है, यानी दिस सिंबल इज फॉर मेकिंग द चिल्ड्रेन सिंग सॉन्ग, चिल्ड्रन गाना गा रहे। ओके, नेक्स्ट सिक्स डिस्कशन, यानी दो आपस में भी डिस्कस करते हैं ना वो। ओके, उसका साइन है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया ही है कि दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बातचीत कर रहे हैं। सेवन परफॉर्म, इनैक्ट रोल प्ले, कोई भी आप एक्शन रोल प्ले करते हो ना, कोई भी एनुअल फंक्शन हो या प्रोग्राम हो, आप रोल प्ले करते हो ना, एक्टिंग करके दिखाते हो ना वो। ओके, नेक्स्ट एट क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम में कोई भी एक गेम खेलते हो। ओके, वो। ओके, नेक्स्ट नाइन रीड यानी पढ़ना। ओके, टेन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी टीचर आपको कोई काम दिया वो आप कर रहे हो। ओके, कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो कुछ काम दिया है जो आपको करना है। क्या काम है कि नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ओके, जैसे टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ऐसे कोई भी। ओके, फिर यूज़, यानी इसका यूज़ होता है तो यस, नहीं होता है तो कुछ भी नहीं। ओके, सो यस टेबल, तो यस। व्हाट इज़ द यूज़, इसका यूज़ किस लिए होता है। ओके, वो आपको लिखना है। तो टेबल, टेबल यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है, टू कीप चॉक डस्टर बुक्स, यानी चॉक डस्टर बुक्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब कोई भी थिंग्स हो एक्सेट्रा, तो वो टेबल के ऊपर रखते हैं। चेयर,
चेयर हम कैसे किस लिए यूज़ होता है कि फॉर द टीचर टू सीट, टीचर बैठते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड लिख सकते हो, ब्लैक बोर्ड। सो यहाँ पे यस लिख देना। और किस लिए यूज़ होता है, टू राइट द नोट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोई भी एनी सब्जेक्ट। ओके, मैथ्स हो, ENB हो, टीचर जब आपको पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं ना, एक्सप्लेन करवाते हैं ना, इस तरह से। ओके, 11 पजल, यहाँ पे देखो पजल दिया है, दो पजल दिया है। ओके, एक में एक पिक्चर में करके दिया है। ओके, और एक जो पिक्चर है, ये पिक्चर में कुछ चीज़ मिसिंग है। ओके, सो आपको पहले ये देख लेना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है कि क्या मिसिंग है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फिश है, तो फिश का इसको क्या बोलते हैं, फिन। और यहाँ पे फिश दिया है, तो यहाँ पे देखो फिन मिसिंग है। और टेंपल, यहाँ पे देखो टेंपल के ऊपर क्या है, फ्लैग। और यहाँ पे जो टेंपल है उसके ऊपर फ्लैग मिसिंग है। स्टेयर, यहाँ पे टेंपल में कितना स्टेयर है, थ्री। यहाँ पे कितना स्टेप है, टू, यानी वन स्टेप मिसिंग है। ओके, इस तरह। और यहाँ पे देखो फ्लावर है, दो ब्रांचेस है। ओके, और यहाँ पे जो फ्लावर दिया है, एक ब्रांच मिसिंग है। ओके, इस तरह से ये पजल करना है। नेक्स्ट 12 एक्टिविटी, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि देखो गार्डन में यहाँ पे चिल्ड्रन है, गार्डन में क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, यानी पौधों को पानी दे रहे हैं। यहाँ पे भी चिल्ड्रन है, क्या कर रहे हैं, प्लांट्स उगा रहे हैं। ओके, इस तरह से एक्टिविटी। ओके, 13 13 में है राइट। ओके, सो लिखना, राइट यानी लिखना। सो यहाँ पे कुछ लिखना है आपको, क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ। टेक एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड नोट डाउन द फॉलोइंग, यानी आपको ओल्ड न्यूज़पेपर लेना है और नोट डाउन करना है। क्या यहाँ पे दिया है, नेम ऑफ द सिटी और विलेज, तो आपको वो सिटी का या विलेज का नेम लिखना है। ओके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू दिल्ली, गांधीनगर, सुरेंद्र नगर, ओके, वारगम। तो यहाँ पे बोला है थ्री लेटर वर्ड्स, फिर थ्री लेटर का वर्ड्स लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली एंड, गांधीनगर ईयर, सुरेंद्र नगर डैम, भारगम पेन। ओके, इस तरह। नेक्स्ट राइट, क्या लिखना है, नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ द फोटोग्राफ्स, तो आपको कोई भी पुराने फोटोग्राफ्स लेना है, न्यूज़पेपर से ही ले लेना। तो उसमें से आपको कोई भी फोटोग्राफ्स, यानी स्कूल प्लेग्राउंड हो, फार्म हाउस हो, ऐसा। ओके, मैं यहाँ पे फार्म हाउस का फ़ोटो लिया था और उसके बारे में डिटेल्स थोड़ा लिखा। क्या लिखा, दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अ फार्म हाउस, यानी ये फोटोग्राफ फार्म हाउस का है। टू, इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेन गेट, तो यहाँ का जो मेन गेट है, यहाँ पे मेन गेट बहुत ही सुंदर है, यानी यहाँ पे एक सुंदर सा मेन, ब्यूटीफुल सा मेन गेट है। थ्री, द कार्विंग्स, कार्विंग्स ऑन द मेन गेट आर ब्यूटीफुल, यहाँ का जो मतलब गेट में जो सुंदर सा सजाते हैं ना, डेकोरेट करते हैं ना, वो एकदम बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। यू सी ब्यूटीफुल प्लांट्स प्लांटेड इन पॉट्स एज सून एज यू एंटर द गेट, जब आप गेट में एंटर करोगे यानी अंदर आओगे, फिर आपको ब्यूटीफुल सा सुंदर सुंदर प्लांट्स देखने को मिलेगा। एज वी गो फॉरवर्ड ए ब्यूटीफुल गार्डन इज सीन, देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स प्लांट्स इन द गार्डन, यानी उस गार्डन के आजू बाजू चारों बाजू बहुत ही सुंदर है। ओके, ब्यूटीफुल है, और वहाँ का जो प्लांट्स है, वहाँ पे प्लांट्स में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हुआ, ओके, गार्डन में। नेक्स्ट 14 में प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है, ड्राइंग आपको कोई भी टीचर, एनी टीचर आपको प्रोजेक्ट देते हैं, यानी ENB का टीचर आपको ENB का प्रोजेक्ट दिया, मैथ्स के टीचर प्रोजेक्ट देते हैं ना, तो ऐसे प्रोजेक्ट का सिंबल है। ओके, सो आज का ये लेसन आपको समझ में आ गए है। ओके, और ये जो मैंने आपको बोला करने के लिए नोटबुक में, ये आप अपने नोटबुक में कर लेना। ओके, टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में करना, वरना नोटबुक में करना। ओके, थैंक यू।